Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Pakistan vs West Indies और तीसरा ODI पाकिस्तान ने जीत लिया और West Indies को क्लीन स्वीप कर दिया. पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त एफर्ट था शादाब खान के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी. और जिस तरह शादाब खान ने ऑल राउंड परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान के लिए, 86 रन किए और बहुत ही क्रूशल पार्टनरशिप बनाई है खुर्शीद शाह के साथ. और जिस तरह आज मुल्तान ने बता दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को कि मुल्तान में भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्पोर्ट है. जिस तरह तीनों ODI फुल हाउस थे और रमेश राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि अगले हो सकता है एक सीरीज आने वाली है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की. क्या पता यहाँ भी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैचेस हुए और हो सकता है कि PSL मैचेस भी यहाँ पर होने जाए. क्योंकि जिस तरह मुल्तान की आवाम ने बताया और उनका जो पैशन था वो जिस तरह उन्होंने सपोर्ट की पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ को, बहुत ही ज़बरदस्त और एक किस्म का अनबिलीवेबल स्पोर्ट थी क्रिकेट के लिए. पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग की और 269 रन बनाए और 9 विकेट्स गिरे. और इमामुल हक ने एक बार फिर बता दिया है कि जितना आप उनको क्रिटिसाइज करोगे उतना वो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे. और 62 रन किए और बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की ओपनिंग रही है क्योंकि दो मैचेस में नहीं चली लेकिन आखिरी मैच में पाकिस्तान की ओपनिंग चली. लेकिन उस तरह कंसिस्टेंसी नहीं थी जिस तरह पाकिस्तान की ओपनिंग पहले होती थी. लेकिन फखर जमान ने रन किए, बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो रन करें. और आई फील कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, जिस तरह के वर्ल्ड कप भी आने वाला है अगले 1.5 साल में, तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बहुत ही वीक है और यहाँ पे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. हारिस स्विन को वापस लाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मिडल ऑर्डर में. और जिस तरह रिजवान उस तरह नहीं कह रहे जिस तरह T20 में करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस. और पाकिस्तान की जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगी है खुर्शीद शाह और शादाब खान ने, जिस तरह 3 हिटिंग की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी पाकिस्तान के लिए, क्रूशल पार्टनरशिप थी. जिस तरह पाकिस्तान की 120 में 5 आउट हो गए थे, आज टीम वापस पवेलियन चली गई थी. लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी शादाब खान और खुर्शीद शाह ने, बहुत ही क्रूशल पार्टनरशिप लगाई और पाकिस्तान को एक डिफेंडेबल टारगेट पर लेके गए. 269 रन अच्छा टारगेट था लेकिन वेस्टइंडीज़ फेल हो गए. वेस्ट इंडीज़ की बहुत प्रॉब्लम है जिस तरह उनका मिडल ऑर्डर है क्योंकि इनएक्सपीरियंस प्लेयर है और उनका कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जो पर एक्सपीरियंस हो और मिडल ऑर्डर उनका भी बहुत वीक है और न्यू प्लेयर है. लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ ने फाइट की है इस ODI सीरीज में और तीसरे ODI में ऑलमोस्ट ये चेस करने वाले थे. जिस तरह अकील हुसैन और कीमा पॉल की पार्टनरशिप लगी थी, जिस तरह उन्होंने क्लीन हिटिंग की है अकील हुसैन ने. और आई फील कि अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के पास विकेट्स होती तो ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त होता. लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास विकेट नहीं थी जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ 216 पे ऑल आउट हो गए. 50 रन तो नहीं था, 48 ओवर था क्योंकि बारिश हुई थी और जिसकी वजह से 2 ओवर कम किए थे. लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ को दाद देनी पड़ी कि पाकिस्तान आए और इतनी टफ कंडीशन में आके उन्होंने ये सीरीज खेल ली है. और बहुत ही क्रेडिट जाता है निकलस पोलन की टीम को और क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह कंडीशन थी, जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी थी, मुल्तान बहुत टफ था मौसम के लिहाज से देखा जाए क्योंकि 45 और अराउंड 46 के दरमियान टेम्परेचर था वहाँ पर, गर्मी और इतना टफ मौसम था. लेकिन फिर भी वैसे टीम ने फाइट की है और ये सीरीज़ पूरी की है क्योंकि दोनों टीमों को बहुत सारा क्रेडिट जाता है. लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्त एफर्ट किया है और जिस तरह शादाब खान ने बोली की 4 विकेट लिए, 62 रन दिए कि उसके बाद हसन अली ने कम बैक किया है. बहुत इंपॉर्टेंट हसन अली के लिए क्योंकि हसन अली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से, उनको बैक करें और उनको पूरा सपोर्ट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है. क्योंकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत मैचेस ऐसे जिताए जो पाकिस्तान हारे हुए मैच जीता है, लेकिन फिर भी हसन अली को बैक करें. और लेकिन आप लोग उसको बैक करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के लिए. और शाह नवाज़ानी ने
आपने ड्यूबेट खेला है और ज़बरदस्त बॉलिंग की है, क्योंकि एकदम को पाकिस्तान ने ये अच्छा फैसला किया कि शाह मोहम्मद को कॉम्पिटिशन में ड्यूबेट कराया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ आपको होम कंडीशन का पता चलता है, और क्योंकि होम कंडीशन पाकिस्तान का हर प्लेयर खेला हुआ है, तो यहाँ पे आपको उनका उनको फुल सपोर्ट देनी चाहिए और उनको मौका देना चाहिए, और क्योंकि होम कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लेयर के लिए, क्योंकि यहाँ से आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो। और वसीम अमन और मोहम्मद वसीम ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, और उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ने जिस तरह बॉलिंग की है बहुत ही ज़बरदस्त उनकी सीरीज रही है वेस्टइंडीज़ के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और क्योंकि जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन इन्होंने बताया, और क्योंकि इम्पोर्टेंट रहा है कि ऑलराउंडर परफॉर्म करें, बैट से नहीं होगा आप बॉलिंग भी करें, क्योंकि यहाँ आपकी बात है क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत प्लेयर हैं लेकिन उनको एक्सपीरियंस दें, और होम कंडीशन में आप उनको खिलाएं, क्योंकि जहाँ से आपको प्लेयर एक्सपीरियंस यहाँ आपको मिलेगा, होम कंडीशन का फ़ायदा होता है प्लेयर को, क्योंकि यहाँ आपको उनकी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा, और क्योंकि आने वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, T20 भी आ रहा है, 50-50 भी आ रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया में होगा दूसरा इंडिया में होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने अभी तक नहीं जीता, 1992 से बाद पाकिस्तान बहुत क्लोज गई है लेकिन पाकिस्तान ने उस तरह टीम सेलेक्ट नहीं की तो पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में थी, 1992 के वर्ल्ड कप में थी, लेकिन देखा जाए पाकिस्तान टीम एक ज़बरदस्त फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहा है, एक ज़बरदस्त एटीट्यूड के साथ खेल रहा है पाकिस्तान की टीम, और जिस तरह एक अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान, आने वाला टाइम आई होप कि पाकिस्तान का जो आने वाली सीरीज है पाकिस्तान की, पाकिस्तान मिडल ऑर्डर अपने ठीक करेगी, क्योंकि मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में होगा 2023 का, वो भी 50-50 ओवर, और T20 का तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की दोनों वर्ल्ड कप, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, T20 में तो पाकिस्तान ज़बरदस्त किया था ये क्रिकेट, लेकिन 50-50 जहाँ भी पाकिस्तान को थोड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि मिडल ऑर्डर जहाँ पे पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब से शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ गए पाकिस्तान जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है वो सिर्फ मिडल ऑर्डर है, ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान हैज़ इम्प्रूव अलॉट, और क्योंकि आने वाली सीरीज ये पाकिस्तान अपने जो रेस्टेड प्लेयर्स थे उनको टेस्ट करें, जो पाकिस्तान टीम ने मौका नहीं दिया प्लेयर को उनको मौका दें, नैदरलैंड के साथ सीरीज होगी, और क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान अपने न्यू प्लेयर को टेस्ट करें, और क्योंकि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ठीक हो जाए तो बाकी जो पाकिस्तान की ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग जैसा कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, तो आई फील के इम्प्रूवमेंट चाहिए बैटिंग में सिर्फ, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में जिस तरह परफॉर्मेंस दी है बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन बैटिंग स्ट्रगल कर रही है मिडल ऑर्डर खास करके, और आई होप के आपको मज़ा आएगा ये सीरीज देख के, क्योंकि जिस तरह मुल्तान ने सपोर्ट किया है, मुल्तान की आवाम ने जिस तरह सपोर्ट किया है, और तब तक प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।